अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल आया है इन्फिनिक्स X680 मॉडल है और ये फुल डेड कंडीशन में है। कस्टमर कह रहा था कि ऐसे ही जेब में बस पॉकेट में ही डेड हो गया है। तो चलो पावर सप्लाई रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि पावर सप्लाई रीडिंग में क्या दे क्या मसला है। पावर सप्लाई रीडिंग में हमने चेक करते हैं कि क्या कितना रीडिंग आता है पावर सप्लाई में। ये जाता है 30, 40, 50 इतना बस जाता है। उसके बाद जब मैं पावर बटन छोड़ता हूँ तो ये खुद ब खुद ज़ीरो हो जाता है पावर सप्लाई रीडिंग। तो चलो मोबाइल को फटाफट खोलते हैं और चेक करते हैं। तो इसका सबसे पहला डाउट मेरा कहाँ पर है, सबसे पहला डाउट मेरा है वो VUSB लाइन पर, क्योंकि अक्सर जो रीडिंग यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो VUSB लाइन से ही आते हैं। तो चलो सबसे पहले इसकी CPU से हम ग्रिल उठाते हैं और VUSB लाइन चेक करते हैं कि वो फुल शॉट है कि नहीं। इसका हमने खोल दिया, ये ऊपर से ग्रिल हमने उठाया यहाँ पर, सही है, क्लियर है ना? ओके, ये देखो ग्रिल सेफ्टी के साथ हमें उठाया यहाँ पर। अब इसका VUSB लाइन चेक करते हैं कि कहाँ पर है। सबसे पहले आसपास जितने कंपोनेंट है उसके वो हमें DC रीडिंग उस पर लेनी है। बीप की आवाज़ तो आती होगी। अभी थोड़ा सा मेरा बाकी है, एक दो तीन और कैमरे लेने हैं, मीटर के लिए अलग कैमरा, पावर सप्लाई के लिए अलग कैमरा, तो फिर हमारा सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये नया नया स्टार्ट है, सही है। तो सबसे पहले हर एक पर जितने यहाँ पर कैप्स लगे हुए हैं ना आसपास CPU के, उन सब पे हमने बजर मोड में रीडिंग चेक करना है। ये देखो, इतना तो मुझे पता रहता कि इस मॉडल में VUSB लाइन यहाँ पर ही है, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर चेक किया तो ये बीप दे रहा है। ये देखो ये बीप दे रहा है, ये बाकी जो कैप्स है वो ठीक है। सिर्फ वही कैप बीप दे रहा है, बाकी सब ठीक है। ये वाला, ये देखो ये बीप दे रहा है। और ये लाइन फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होता है, DPDM के लिए यूज होता है, और ये डायरेक्टली पावर IC से आया था। ये सही ने, ये डायरेक्ट पावर IC से ही आया है यहाँ पर CPU को। तो अब इसका मसला CPU में है, सही है ना? अब CPU को तो चेंज नहीं कर सकते, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका ये जो लाइन है ना, ये VUSB लाइन, इसको ब्रेक करना है, इसको यहाँ से काटना है और फिर चेक करते हैं ये हमारा फोन होता है कि नहीं। अब इसको काटने के लिए सुई से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। ये जो बारीक सी सुई है ना, इससे ये लाइन बहुत अच्छी तरह उखड़ जाता है बिल्कुल नीचे से। ये यहाँ पर एक लाइन है, अब चेक करते हैं कि बीप आ रहा है कि नहीं। ये देखो अब बीप खत्म हो गया, इसके टेस्टर पर बीप अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हो आप मीटर में। अब इसके टेस्टर बिल्कुल बीप नहीं आ रहा है। तो ये अब मुझे कैसे पता चला कि ये मसला VUSB लाइन से, और डायरेक्ट मैंने VUSB लाइन पे ही अटैक किया, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे फोन को इस तरह से फिक्स किया है, और जो पावर सप्लाई रीडिंग है इससे मुझे पता चलता है कि ये मसला VUSB लाइन से ही आया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट VUSB लाइन पे ही अटैक किया, सही है ना? तो चलो अब चेक करते हैं फोन के ऑन होता है कि नहीं। हमारा शॉट तो खत्म हो गया। अब इस फोन में एक मसला और रहेगा, ये स्लो चार्जिंग पे जाएगा।
ये अब स्लो चार्जिंग करेगा, इसका भी हमारे पास हल है, पर वो नेक्स्ट वीडियो में उसका हल आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने काटा है, सही है ना, ये लाइन हमने ब्रेक किया यहाँ पर। तो चलो अब फोन को चेक करते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देखो डायरेक्ट हमारा फोन ऑन हो गया, एक ही लाइन की वजह से हमारा पूरा सेट डेड था USB लाइन से। और ये ट्रिक बहुत कमाल का ट्रिक है, बस थोड़ा सा नॉलेज जरूर चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मजीद ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से हमें बूस्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।